हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इसे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शेंग जो अपनी कंपनी में होता है तभी उसके पास चीलियो आता है जो उसका फैमिली रिलेटिव होता है। वो आकर उन दोनों से बातें वगैरह करने लगता है, साथ ही साथ अपनी मूवी के बारे में बताने लगता है कि मैंने उसमें एक्टिंग किया तो तुम दोनों मेरे साथ मेरी मूवी देखने के लिए चलोगे ना। पर शेंग और उसका फ्रेंड दोनों उसे मना करके वहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ गुशैन दिखाई जाती है जिसकी फ्रेंड उसको आकर बता रही होती है कि शेंग ग्रुप ने सुजाओ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। मतलब उन्हें भी समझ आ गया है कि सुजाओ उनके साथ कैसी थी और वो उनकी कंपनी में क्या कर रही थी। मुझे तो पहले से भी ज्यादा शेंग अच्छा लगने लगा है। देखो उसने इस लड़की को भी पहचान लिया है। और तभी वहाँ पर शेंग को बुलाने के लिए उसका बॉस आ जाता है। और शेंग जब अपने बॉस के ऑफिस में जाती है तो उसका बॉस कहने लगता है कि तुमने एक जगह पार्टी पर जाना है, वहाँ पर काफी ज्यादा एक्टर्स प्रेसिडेंट वगैरह आए होंगे, तो तुमने वहाँ पर बस उन्हें ये जाकर कहना है कि आपने हमारे पास आकर इंटरव्यू देना है। और जैसे ही अपने बॉस के ऑफिस से बाहर आते हैं तो उसे यहाँ पर भी मिलने के लिए जीलियो आ जाता है। जीलियो को देखकर शेंग पूछे लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए, तो वो उसे भी आकर अपनी मूवी के बारे में बताने लगता है कि मेरी न्यू मूवी लॉन्च हुई है और मैंने उसमें एक्टिंग भी की है। शेंग को तो यकीन ही नहीं आता कि इसने एक्टिंग की है, तो वो उसे सिनेमा की टिकट देने लगता है कि तुमने आकर जोर मेरी मूवी को देखना है। और साथ ही साथ उसकी कुलीस को भी अपने बारे में बताने लगता है और यहाँ तक कि इनवाइट भी उन्हें कर लेता है। और फिर रात में जीलियो की मूवी देखने का टाइम भी आ जाता है। सबकी टिकट्स पे इलादा हॉल नंबर होता है तो वो अपने अपने हिसाब से जा रहे होते हैं। और शेंग जब अपने हाल में पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कोई भी नहीं होता, तो चुप करके एक जगह पर बैठ जाती है। और दूसरी तरफ जो जेलियो बाकी सब स्टाफ वगैरह के साथ बैठा होता है अपनी मूवी को देखने के लिए, उसकी मूवी थोड़ी हॉरर टाइप होती है तो वो देख कर थोड़ा डर रहा होता है। और यहाँ जो गुशैन अकेली बैठी होती है उसके पास शेंग आ जाता है और आके कहने लगता है कि ये कैसा इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही जगह पर आए और यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो उसके साथ बैठकर मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाने लगता है, उसको भी खाने को कहता है पर वो नहीं खाती। और दोनों बैठकर जब मूवी देख रहे होते हैं तो मूवी में एक किस का सीन आता है। किसके सीन को देखने के बाद शेंग शी भी गुशैन को किस करने लगता है पर गुशैन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। ये देखकर शेंग उसे साइड पर हट जाता है। और फिर इसी तरह मूवी एंड होने के बाद वो जब अपने हॉल से वापिस आ रहे होते हैं तो आगे से जेली उन्हें आते हुए देख लेता है और कहने लगता है कि तुम लोग जिस जगह पर थे शेंग, तुमने तो कहा था कि वो क्लोज है, तो तुम लोग वहाँ पर कैसे बैठे। तो शेंग का फ्रेंड उसको चुप करवा देता है। और ये बातें सुनने के बाद गुशैन उसको बच्चा कहकर वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट डे जब सुबह में शेंग उठता है तो गुशैन उसे कहने लगते है कि हमारा ब्रेकफास्ट नीचे तैयार हुआ हुआ है, तो जल्दी मुंह हाथ धो, हम नीचे जाकर खाना खाते हैं। ये सुनने के बाद तो शेंग बिल्कुल ही एक्टिव हो जाता है कि गुशैन ने मुझे कहा है कि हम मिलकर खाना खाते हैं, तो वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए भाग जाता है। और गुशैन भी उसको इस तरह देख कर हंस रही होती है। गुशैन जब पहले जाकर डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है और पीछे से शेंग आता है तो उसकी वीडियो बनाते हुए आ रहा होता है और काफी ज्यादा पिक्स ले रहा होता है। पर गुशैन जब पूछते है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो कहने लगता है कि मैं तो बस ये सुबह का ब्रेकफास्ट अपने फ्रेंड को भेज रहा था। ब्रेकफास्ट की पिक लेते हुए फिर से गुशैन की पिक ले लेता है। गुशैन को सब पता होता है पर बस उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। और कंपनी में जाकर जेलियो को वही वाले खाने की पिक दिखाने लगता है, पर वो तो इस खाने को देख कर कहने लगता है कि इसमें नई बात क्या है, हमेशा ऐसा ही तो ब्रेकफास्ट होता है और क्या होता है। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता लगेगा कि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। फिर शेंग उसको वहाँ से भेज देता है, वो बाहर जाकर कान लगाकर उसके और उसके दोस्त की बातें सुन रहा होता है। शेंग अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि मैं आज उसको कंपनी से लेने के लिए जाऊंगा और मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब बातें जब पीछे से जेलियो सुन लेता है तो कहने लगता है कि तुमने कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और फिर हमें गुशैन उसी वाली पार्टी में दिखाई जाते जहाँ पर उसके बॉस ने उसको भेजा था। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वही वाला लड़का वांग चाई के साथ खड़ा होता है, पर जैसे ही गुशैन को आते हुए देखता है तो उसकी तरफ जाने लगता है। पर वांग चाई को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उससे जाकर कहने लगता है कि गुशैन क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी। पर गुशैन तो लोगों को इनवाइट करने के लिए आई होती है कि आप हमारे पास आकर इंटरव्यू दें, तो उसको उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता और वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ शेंग शी जो उसकी कंपनी के बाहर आया होता है उसको लेने के लिए, पर अंदर से जब उसकी फ्रेंड आती है तो उससे पता लगता है कि गुशैन तो आज पार्टी पर गई हुई है। तो ज्यादा पूछने पर पता लगता है कि वो पार्टी किसकी है। और साथ ही साथ शेंग को भी उस पार्टी की तरफ से इनविटेशन आया होता है, पर शेंग तो उस टाइम पर रिजेक्ट कर देता है। पर अब गुशैन के लिए उसी तरफ भागता है और गुशैन जो अपना जा रही होती है तभी पीछे से वो दोबारा से उसके पास आ जाता है और बदतमीजी करने लगता है। कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे साथ सीधा मेरे मुंह पर ड्रिंक करने से भी मना कर दिया। पर गुशैन उससे काफी ज्यादा जान छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, पर वो गुशैन को पोल में ही धक्का दे देता है। अब गुशैन को तो स्विमिंग आती नहीं होती तो वो हेल्प कैरी होती है। और इतने में वहाँ पर शेंग आ जाता है। शेंग आकर जल्दी से गुशैन को वहाँ से बचा लेता है और उसको जब घर पर ले आता है तो उसको अपने फ्रेंड से पता लग जाता है कि ये हरकत किसने की है।
है और जैसे ही गुशैन आती है तो उसकी काफी ज्यादा केयर करने लगता है, यहाँ तक कि उसने उसके लिए टी वगैरह भी बनाई होती है। और फिर उसको एक काम का कहकर वहाँ से उसे बदतमीज इंसान को मारने के लिए चला जाता है। उसे काफी ज्यादा मारता है और कहने लगता है कि तुम कौन होते हो मेरी वाइफ के करीब आने वाले, मेरी वाइफ के आसपास भी अब तुम नजर मत आना। पर वो ढीठ इतनी मार खाने के बाद भी कहता है कि शेख तुम्हें तो मैं पूछ लूंगा। और गुशैन जो घर पर सोई होती है तभी उसको एक ड्रीम आता है कि वो पानी में होती है और उसको ऊपर से शेख बस खड़े होकर देख रहा होता है। और एक जगह पर बिल्कुल उसके सामने शेख आकर खड़ा होता है और प्रेजेंट में भी उसके पास शेख आ जाता है और आके पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो कहने लगती है कि मुझे थोड़ी सर्दी लग रही है। तो वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर देखने लगता है और कहने लगता है कि तुम तो काफी गर्म हुई हो, क्या तुम्हें फीवर हो गया है। जल्दी से अपनी मेट को बुला कर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना इसका अच्छे से ख्याल रखना, तुमने इसका अच्छे से ख्याल क्यों नहीं रखा। फिर जब मेट उसके लिए कुछ लेने के लिए चली जाती है तो पीछे से शेख भी वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त से जाकर बातें वगैरह करने लगता है। तो उसका दोस्त कहने लगता है कि तुम्हारी ये बात तुम्हारे डैड तक भी पहुँच गई है। पर शेख को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और कहने लगता है कि जो मेरी वाइफ के इतना क्लोज आएगा और उससे इस तरह की हरकत करेगा ना, उसको तो अपना हिसाब देना होगा। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि तुम फेस टू फेस उसे क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें वो नहीं चाहिए। पर शेख कहने लगता है कि मैंने जब उसे बताना होगा मैं बता दूंगा, मैं कौन सा उसके ऑर्डर पर चलता हूँ। जैसे ही वो पीछे से गुशैन को देखता है तो डर जाता है, कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कब आई, और उसे सॉरी करने वाला होता है कि अभी की बातों पर। पर तभी गुशैन उसके सामने एयरबर्ड को निकालने लगता है, कहने लगती है कि क्या तुम कुछ कह रहे थे। तो वो कहने लगते कि अच्छा मतलब तुमने नहीं सुना, तो अच्छी बात है चलो चलते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आ गई। तो वो रूम में जाकर गुशैन को लिटाने लगता है, तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है। उन दोनों को इस तरह देखकर कहने लगता है कि सॉरी सॉरी तुम लोग कंटिन्यू रहो। फिर शेंगशी गुशैन से कहने लगता है कि तुमने यहीं पर लेटे रहना है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। और गुशैन तो उसके जाने के बाद उन्हीं बातों को सोची होती है क्योंकि उसने उस टाइम पर कुछ भी नहीं कानों में लगाया हुआ था, वो तो उसने बाद में दिखाने के लिए लगाया था। और खुश भी हो रही होती है और शेंगशी दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के लिए खाना बनाने के लिए मेड के पास जाता है और उसे अच्छा ना खाना बनाते हुए देखकर खुद बनाने लगता है। और फिर बनाने के बाद गुशैन के पास जाकर उसको खिलाने लगता है, कहने लगता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है, और अपने हाथों से भी खिलाने लगता है। पर गुशैन कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं खुद खा लूंगी। पर शेख कहता है कि नहीं नहीं मैं ही खिलाऊंगा। फिर गुशैन उसके हाथों से खुश होकर खाने लगती है और जब उसके मोबाइल पर कॉल आती है तो वो कहने लगता है कि ये कॉल नहीं है, तुम इसको म्यूजिक समझो, ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। और इसी तरह दोनों एंजॉय करते हुए खाने लगते हैं। फिर वो खाना खिलाने के बाद बाहर जाकर कॉल पर बात करने लगता है तो उसके असिस्टेंट बताने लगते है कि सर अभी आपकी एक मीटिंग है, आप कब तक आएंगे। तो शेख उसे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना घर पर मेरा एक इम्पोर्टेंट काम है तो मैं नहीं आ सकता। शेख के मना करने पर वो उसके घर के नंबर पर कॉल कर देती है और जब आगे से गुशैन बोलती है तो उसे पूछने लगती है कि आप कौन। तो वो कहने लगती है कि पहले तो आप बताएं आप कौन है। तो बताने लगती है कि मैं शेख की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, तो मैंने ये बताना था कि शेख की मीटिंग होने वाली है तो आप क्या उन्हें बता देंगी, वैसे आप कौन है। तो गुशैन भी उसे बता देती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ गुशैन, और वो अभी तो यहाँ पर नहीं है पर मैं उन्हें बता दूंगी। और जैसे ही शेख रूम में आता है तो आते साथ गुशैन को कुछ न कुछ पहनाने लगता है ताकि उसको ठंड न लगे। पर गुशैन उसे कहने लगते है कि तुम्हारी कंपनी से कॉल आई थी तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम है। पर शेख कहने लगता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो गुशैन कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम चले जाओ। तो शेख कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तुम मुझे भेजना चाहती हो। गुशैन कहती है कि हाँ। पर शेख कहता है कि अच्छा मैं जा तो रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से एक कदम बाहर गया तो पक्का पक्का बाहर चला जाऊंगा। पर गुशैन उसको फिर भी नहीं रोकती और शेख के जाने के बाद उसकी इन बातों पर हंसरी होती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।